ओम गणपते स्वाहा, ओम वासुदेवाय स्वाहा, ओम चंद्रय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा। यजमान कन्या को बुलवाइए। अरे सुनो, क्या देख रहे हो? अभी पैसा और गाड़ी मांग लो, नहीं तो तभी मांगोगे क्या? तब शादी हो जाएगी तब। ठीक है, सुनो, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो संदीप जी, क्या जरूरी बात करनी है? पहले मुझे 5 लाख रुपए और एक बलेनो गाड़ी चाहिए, जब ये शादी होगी। मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, उसमें इतना खर्च हुआ, उसका क्या? माफ कीजिएगा संदीप जी, मैं आपको इतना नहीं दे सकता। मेरे पास जो कुछ था वे मैंने आपको दे दिया। बेटी की शादी के लिए मैंने अपना खेत भी बेच दिया। अभी मुझे माफ कर दो, शादी हो जाने दो। नहीं, मैंने कह दिया, मुझे अभी चाहिए, कहीं से भी ला कर दो, जब ये शादी होगी। माफ करिए समझी जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि शादी के बाद मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। अभी शादी हो जाने दो, मेरी इज्जत का सवाल है। ऐसा मत कहिए समझी जी, हमारे ऊपर दया करो। हमने अपनी बेटी को बड़े प्यार से पाला पोसा, उससे पढ़ाया लिखाया, ऐसा मत करो। मुझे कुछ नहीं सुनना, शादी से पहले तो कहा था सब कुछ कर ले, उठ जा बेटा। चम पिताजी, सुना नहीं, उठ जा। जी पिताजी, बंद करो ये तमाशा और ध्यान से सुनो मेरी बात। मुझे भी आपके लड़के से शादी करने का कोई शौक नहीं है, तुम क्या मना करोगे? मैं खुद इस शादी से मना करती हूँ। यहाँ से अपना सामान उठाओ और निकलो बाहर। तुमने जो कपड़े पहने हैं ना, वो भी मेरे पापा के दिए हुए हैं। तुमने जो खाना खाया है ना, वो भी मेरे पापा का दिया हुआ है। सुनो पिताजी, मैं ऐसे तेजी रहने वालों से शादी नहीं करूँगी। बेटा चुप हो जा, ऐसा नहीं कहते, शादी हो जाने दे, नहीं तो हम कहेंगे मुझे लायक नहीं रहेंगे। चुप हो जाओ माँ, अच्छा हुआ जो इनकी नियत का पहले ही पता चल गया। इन्हें मुझसे नहीं, पैसे और गाड़ी से शादी करनी है। माँ पिताजी, क्या मतलब है ऐसी शादी से, जहाँ मेरी माँ बाप की इज्जत ना हो? लड़के के माँ बाप भी पैसा खर्च करते हैं और लड़की के माँ बाप भी, फिर भी हम लड़कियों को ही क्यों झुकना पड़ता है? मैं आप सब से पूछती हूँ, हम लड़कियों में क्या कमी है, फिर भी हमें दहेज के पीछे जलाकर मार दिया जाता है? हम लड़कियाँ लड़कों से पीछे नहीं है, हमें ऐसे दहेज लेने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आखिर मुझे क्या बेचेगा रुपया? Thank you.
बेचेगा।